हीरानगर थाने से चल रही थी इंक्वायरी पे, उन्होंने पहले दिन दो बकर वालों को उठाया था। उनका नाम क्या था? जूसफ अशरफ अली। जो ये दो नाम थे, जैसे एक का नाम था यूसुफ अशरफ अली, एक का नाम था मोहम्मद यूसुफ जो कि आसिफा का मामा है, और दूसरा अशरफ अली जो है जो मुमजान का बेटा है, इनको उठाया गया था। और उनकी कमेटी के लोग जाते हैं, डंडे लेके जाते हैं और उनको वाहन लेके आ जाते हैं। ये कौन सी तारीख को हुआ है? 21 तारीख। जिस दिन उन्होंने पकड़ा, हो सकता है पहले दिन शाम को पकड़ा था, फिर दूसरे दिन डेट मैंने अभी याद नहीं रखी इतनी। और आप देख सकते हो अभी हालत ऐसे बिगड़ी हुई है, और उनको उधर से लाया जाता है, उसके बाद शुभम को लेके जाते हैं उधर। और शुभम को लेके जाने के बाद जो उधर गौतम डीएसपी कौन थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर गौतम उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर गौतम सुरेश गौतम, हाँ उनको सस्पेंड कर दिया जाता है तब से। उसके बाद नए ऑफिसर लगाए जाते हैं, उनका नाम है आर के टी आर भारद्वाज, नाम नहीं पता। फिर शुभम को उधर लेके जाते हैं, शुभम को लेके जाते हैं उधर। और शुभम को जाते गाड़ी में जाते उसको पहले एक ढाबे पे जब कहीं लेके जाते हैं, उसको एक सिगरेट पिलाया जाता है, जबरदस्ती मार के पिलाया जाता है। और उसको बोलते हैं कि तू बोल तेरे मामा ने ये किया है, अगर तू नहीं बोलता तो खुद पे ले कि मैंने किया। शुभम जो है वो सांजी राम जी का भांजा है, हाँ भांजा है। उसको बोला जाता है कि तू खुद पे ब्लेम ले, नहीं तो अगर तू अपने पे ब्लेम नहीं ले रहा है तो हम तेरे मामा को मार देंगे। इसलिए वो बच्चा डरा हुआ था, उसको अंदर लेके और बहुत मारा पीटा उन्होंने, तो बच्चा जाते ही बोलना शुरू हो गया मैंने किया। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं पता था। जो सांजी राम जी हैं, वो ऐसा बताया जा रहा है कि सांजी राम जी इस पूरी घटनाक्रम के दौरान वो घर छोड़ के भाग गए कुछ मार्च महीने में, और उस दौरान मुझे ये भी कहीं से पता लगा है कि उस दौरान आप भी कहीं बीमार नहीं थी, मिलिट्री हॉस्पिटल आप श्रीनगर में थी, तो वो क्या बातचीत है? मैं आपको वो बात बताती हूँ क्योंकि आपने सुना होगा, मैं एक महीना पहले काट के गई थी जब इंसिडेंट हुआ था। मैं एक महीना रह के गई और इतनी परेशानी थी, इधर आए दिन 20-25-30 लोग, क्राइम ब्रांच के पुलिस के सब आ रहे थे। उसी बीच में मेरे बच्चे के पेपर आ गए, पेपर की वजह से मैं चली गई वापस। फिर उधर जब पेपर हुए, पेपर चल रहे थे अभी, तो मेरी सेहत ऐसे ही ख़राब हो गई थी, मेरे को ऐसे भी प्रॉब्लम है। मैं MS में दिखा रही हूँ उधर, पता 92 वेस हॉस्पिटल नाम है उसका, और MI रूम में डेली दिखाती थी उधर मैं, और दिखा दी मैंने। और इधर कोई ऐसी केस की बात नहीं चली, पापा का नाम क्लियर था, तो पापा का नाम कोई नहीं ले रहा था। मैंने पापा को बोला पापा 2 दिन के लिए आ जाओ मेरे साथ मिलने, आ जाओ फिर दोबारा चले जाओ, 2 दिन की बात। और जब वो मेरे पास आए, वो शाम को पहुंचे, तो मैंने बोला आपको ना एक दिन रखूंगी, दूसरे दिन आप चले जाना। लेकिन उसी बीच में अनंतनाग में अटैक हुआ, उसमें पत्थरबाजी जो रोड मतलब उन्होंने कर दिया था, तो उधर पापा को 2 दिन स्टे करना पड़ा। उसके बाद बारिश हुई, मौसम खराब, वो पस्सी वगैरह गिरती है जो श्रीनगर, वो गिर गई, लेकिन नहीं उसकी वजह से रुके। और इधर क्या बनाया जाता है कि वो मतलब भाग गए हैं, अपने जमाई के पास चले गए हैं। हमारे घरों में ऐसी कोई बात होती तो पापा स्टार्टिंग से भागते, पहले दिन से भाग जाते, वो तब क्यों नहीं भागे? तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे महबूबा का नाम है और दीपक खजूरिया और शुभम और जो जितने भी जो फंसे हैं, फंसे हैं, उनको आप उन्हें सजा से बचा रहे हैं या फिर आप न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग कर रहे हैं, और जो निर्दोष उनके सच्चाई बाहर लाने के लिए कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम में? आरोपी मुख्य रूप से है वो अभी बाहर आजाद घूम रहा है, जो आरोपी है वो आजाद घूम रहा है, उसको पकड़ने के लिए CBI को आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं मेरा मानना है अशरफ अली की तरफ इशारा कर रही है। मैं किसी की तरफ नहीं कर रही, लेकिन है उन्हीं में से कोई, क्योंकि इतना बड़ा दुष्कर्म मैं नहीं कर सकती, हमारे लोग नहीं कर सकते। बात है जिनपे यकीन है, प्रूफ है, सब कुछ है, उनको क्यों फंसाया जा रहा है? कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो रसाना गांव में 12 घर है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं, 12 घर है, 12 घरों से मैं मान रहा हूँ जो 2000 लोगों को वहाँ से रैली निकली, 2000 लोगों को जो रैली निकली थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का उद्घोष किया गया था और गेटों पे डंडे से पिटाई, डंडे मारते गए, तो उस चीज को आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों चला रहे हैं? हमें इतना नॉलेज होता है, हमें आपके पास वीडियो है,
वो वीडियो हो भी सकता है, स्टे किया था इधर आके नारे लगाए नाम जाएगा वो होगी। ठीक है, तो आप मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप ऐसे थी लोग एकदम अभी माहौल जो है वो डर का है, डर का माहौल है हिंदू कम्युनिटी में। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम का नहीं बोलूंगी, सही है कि ऐसा प्रदर्शन करके तो अभी भी कि महबूबा के आप खुल के बोले इस चीज को, यदि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को दहशत में है, डर में है। मैं आपको एक बात वही क्लियर कर रही हूँ, मतलब जब दोषी पकड़ा जाएगा जिन्हें पता चलेगा।